प्रीति पांडे, प्रीति पांडे आपको चर्चा में शामिल करूंगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, यानी आप कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे, खाकी पर भी सवाल उठेंगे, शहीदों पर भी सवाल उठेंगे। ना कांग्रेस पे भरोसा, ना बीजेपी पे भरोसा, सिर्फ मुसलमान आतंकी मारे गए, ये दिक्कत है। पिनाश जी, देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा। आपको पता होगा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है कि किस तरीके से बाटला हाउस के लिए हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां आंसू बहाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आज, अगर दिल्ली पुलिस का कोई व्यक्ति अगर आपका चैनल देख रहा है तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि दिल्ली पुलिस को एक FIR तुरंत करनी चाहिए मौलाना के खिलाफ, क्योंकि मौलाना ने क्या कहा, मौलाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने खुद अपने व्यक्ति को मारा। मतलब आप शहीद का दर्जा जिसको देना चाहिए इंस्पेक्टर शर्मा को, शर्मा जी को ना देके आप शहीद का दर्जा किसको दे रहे हैं, आतंकवादी को। और उन शहीद परिवारों से भी माफी मांगनी चाहिए, उन नेत्री को जो दो दिन पहले इस आतंक समर्थक जो मौलाना है उसके साथ अगर ये फोटो डालते, ये कितना गंदा मैसेज जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मौलाना जो आतंकवादियों का साथ देता है, जो कांग्रेस है जो आतंकवादियों का साथ देने वाले मौलाना को शामिल करती है, और वो आज एक भी ट्वीट, एक भी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं लिखते कि हम इनका समर्थन नहीं कर रहे या इनके इस मैसेज के साथ नहीं।